भारत का गगनयान मिशन अपनी कामयाबी की ओर निकल चुका है। रविवार सुबह 10 बजे इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान के क्रू मॉड्यूल को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। हालांकि पहले इसकी लॉन्चिंग सुबह 8:45 पर शेड्यूल की गई थी, लेकिन किन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से इसे कुछ देर के लिए होल्ड कर दिया गया था। आपको बता दें कि कुछ लोग इसे टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 या फिर व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट भी कहते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई लॉन्चिंग की बात, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको इस मिशन से जुड़ी व्योममित्र के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में पूरी दुनिया और शायद आप भी जानना चाहते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल स्केल ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये आता है कि गले में कार्ड लटकाए और सूट पहनी हुई ये महिला आखिर कौन है और भारत के गगनयान मिशन में इसकी क्या भूमिका है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि गले में कार्ड लटकाए ये महिला हकीकत में एक रोबोट है जिसका नाम व्योममित्र है। और दोस्तों, व्योममित्र के बारे में जानने से पहले आपको इसके नाम का अर्थ जानना होगा। दरअसल व्योममित्र संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है व्योम यानी के अंतरिक्ष और दूसरा है मित्र यानी दोस्त। यानी व्योम मित्र का अर्थ हुआ जो अंतरिक्ष का दोस्त हो और जिसे वहाँ के बारे में किसी आम इंसान से ज्यादा पता हो। दोस्तों, व्योम मित्र भी कुछ ऐसी ही है, उन्हें अंतरिक्ष के बारे में इंसानों से ज्यादा पता है। दोस्तों, इसरो के महिला व्योम मित्र रोबोट को 3 साल पहले ही दुनिया के सामने पेश किया गया था और इसे दुनिया की बेस्ट स्पेस एक्सप्लोरर ह्यूमेनाइड रोबोट के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें कि इसे सबसे पहले 2021 इवेंट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एंड एक्सप्लोरेशन के उद्घाटन में लॉन्च किया गया था। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि आखिर गगनयान मिशन में व्योम मित्र का क्या योगदान है। आपको बता दें कि गगनयान मिशन के साथ साथ व्योम मित्र अंतरिक्ष में हर तरह के मानव कार्यों का अनुकरण करेगी और ये वहाँ पर्यावरण नियंत्रण जीवन समर्थन प्रणाली के साथ भी काम करेगी। और इसके साथ साथ व्योम मित्र गगनयान मिशन के मॉड्यूल मापदंडों की भी निगरानी करेगी, जिसमें मॉड्यूल के लिए अलर्ट भेजना, जीवन समर्थन और स्विच पैनल संचालन का भी काम व्योम मित्र कर सकती है। दोस्तों, इसके साथ ही ये अंतरिक्ष यात्रियों से बातचीत भी कर सकती है और उन्हें पहचान भी सकती है और उनके प्रश्नों का उत्तर भी दे सकती है। कहने का मतलब ये है कि ये महिला रोबोट अंतरिक्ष में मानव कार्यों का अनुकरण करेगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।